इन पेड़ पौधों को देखो, बहती हवा को देखो, बहती नदी को देखो, जितने भी प्राकृतिक चीजें हैं सबको देखो और एक चीज सोचो। तुम कहते हो कि ईश्वर तुम्हारे बस में है। मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं कि ईश्वर उनके बस में है, पर मैं तुमसे एक बात कहता हूँ। तुमने कभी ईश्वर की रचनाओं पर गौर किया है? कभी गौर करके देखो, क्या ऐसी चीज़ है जो पेड़ पौधों को बनाती है? क्या ऐसी चीज़ है जो हवा को बनाती है? क्या ऐसी चीज़ है जो नदी का पानी बनाती है? क्या ऐसी चीज़ है कि पहले एक पानी बर्फ बनता है, बर्फ से फिर पानी बनता है, पानी से फिर खौलती हुई भाप बनती है और उसके बाद वापस जाके बादलों में समा जाती है? कितनी अद्भुत रचना है ईश्वर की, कभी गौर किया तुमने? क्या ऐसी चीज़ है कि मनुष्य और पेड़ों में एक अजीब सा संबंध है कि जो वायु पेड़ छोड़ते हैं उनसे मनुष्य का जीवन बनता है और जो वायु मनुष्य छोड़ते हैं उनसे पेड़ों का जीवन बनता है? सोच कर देखो, क्या कभी सोच सकते हो? क्या कभी तौल सकते हो? कहते हैं मेरे कुछ बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ ये दावा करते हैं कि उन्हें ईश्वर दिखाई देता है, वो ईश्वर को रचना को, वो ईश्वर की शक्ति को, वो ईश्वर की इच्छा को जानते हैं, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या कभी इन सब चीज़ों के बारे में वो मेरे बच्चे जो दावा करते हैं कि वो ईश्वर को जानते हैं, वो जान पाएंगे, वो समझ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ईश्वर की रचना अद्भुत है। तुम सोचो, ये जो चार ऋतुएं आती हैं ये कैसे आती हैं? कभी सर्दी आती है तो उसी माहौल में अचानक गर्मी आती है, कैसे आ जाती है? सोचो ईश्वर की रचना। इतने ग्रह हैं इस सौर मंडल में, लेकिन सिर्फ पृथ्वी पर जीवन है, सिर्फ इस धरा पर जीवन है, बाकी और ग्रह इस जीवन से मोहताज हैं। सोचो ईश्वर की रचना। जितना सोचोगे उतना गहराई में डूबते चले जाओगे। और एक बात मैं तुमसे कहता हूँ कि जो भी ये दावा करता है कि वो ईश्वर को जानता है, वो ईश्वर को समझता है, तो एक निरी मिथ्या है। ईश्वर को जानना, ईश्वर को समझना इतना आसान नहीं होता। ईश्वर सिर्फ प्रेम का भूखा होता है, क्योंकि जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर जिंदगी होती है, वहाँ पर खुशियाँ होती हैं, वहाँ पर अपनापन होता है। जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर नई खुशी वाला माहौल पनपता है और वहाँ पर ईश्वर वास करते हैं। इसके अलावा किसी के दावे में कोई सच्चाई है ही नहीं। इसलिए ना आडंबरों में पढ़ो, ना जादू टोनों में पढ़ो, ना ही किसी भी तरह के काले जादू में पढ़ो। सिर्फ व्यस्त रहो और उस ईश्वर से कामना करो कि वो तुम्हें खुश रखे और इस वातावरण को खुश रखे। खुश रहो, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो और मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है जिसको दुनिया में जीतने की ताकत रखती है। खुश रहो।